शबीर भाई, आप मुझे बताएं, शायद शबीर भाई की ना पर्सनालिटी में इतना रोब और इतना दबदबा। शबीर भाई, ये रोब और दबदबा, ये आपकी अम्मा के सामने भी वैसा था? ये अम्मा के सामने जैसे सर बच्चे होते हैं, थोड़े से डरपोक से सहमे हुए और लाडले, या फिर ऐसे ही रोब था उनके सामने? नहीं, अम्मी तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी थी। अब्बा गुस्सा जैसे था, पिटाई उठाई उनसे होती थी, अम्मा के तो पीछे छुपते थे हम। कोई भी मसला होता था, अब्बा गुस्सा तो अम्मा के पीछे। तो ऐसा नहीं था, मतलब ये तो एक कुछ चीज़ें होती हैं वक्त के साथ साथ आपको जब नज़र आती हैं ना, तो मेरे ख्याल में आपका मिजाज बनता चले जाता है। कुछ चीज़ें आप नहीं एक्सेप्ट करते अपने साथ, कुछ चीज़ें आपको गलत लग रही होती हैं और वो हो रही होती हैं, तो वो चीज़ें आपके मिजाज पर बड़ा असर डालती हैं। अम्मी के साथ कैसा आपका ताल्लुक था? मेरी अम्मी के साथ मेरा बड़ा अच्छा था। मैं जब भी उनके पास जाता था तो मैं बस एक ही काम करता था, मैं उनकी गोद में सर रख के और लेट जाता था बस। फिर वो खाना वाना जो उन्होंने करना होता था खुद, डांटती रहती थी मुझे और कि ये नहीं करते तुम, वो नहीं करते तुम, अपना ख्याल नहीं रखते तुम। तो दो दो घर थे माशाल्लाह, उसमें फिर हम अम्मी थी तो सही, लेकिन जब भी जाते थे अम्मी के पास मिलने के लिए तो उनकी यही शिकायत होती थी कि तुम अपना ख्याल नहीं रखते, तुम ये नहीं करते। शुरू से वो ऐसे ही था। लाइफ में ऐसा था कि मैं बहुत ही लापरवाह सा एक इंसान होता ना, जो परवाह नहीं होती कोई होती, उस तरह से था मैं। कोई ऐसा काम धाम नहीं, चार दिन यहाँ किया, हफ्ता वहाँ किया, 15 दिन वहाँ किया, छोड़ दिया, फिर आ गए घर में। तो वालिद साहब गुस्सा करते थे बहुत कि इंसान बन जाओ यार। वो बाप की तो एक ही ख्वाहिश होती है, बिल्कुल हाँ, बच्चे साथ कोशिश करता रहता है कि यार ये कुछ ठीक हो जाए। वो दुआ नहीं करता, वो कोशिश करता है बाप। और माँ जो है वो दुआएं हर तरह से दुआ कर रही होती है इंसान के लिए। लेकिन मैं फिर भी बाप की भी एक पर्सनैलिटी को बता दूंगी, लेकिन जब बाप दुआ करने पे आता है ना तो उससे बड़ी दुआ नहीं होती कोई। बिल्कुल। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मेरी माँ मुझे वाले साहब से कहती थी कि बस छोड़ दें इसको, जो ये करते हैं इसको करने दिया करें। तो लेकिन नहीं, क्या करने दिया करें, ना कहीं घर का ना घाट का। मैं आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड जब मेरी शादी हो गई थी और मैं आवारा गर्दी करता था, घूमता फिरता। मैं खुद ही छोटा था, मैं अपना बचपन तलाश करता था, मैं अपने बच्चों में छोटे को कहाँ देखूँगा, क्या करूँगा। तो वो गुस्सा करते थे, मतलब शादी के बाद भी मेरी पिटाई होती थी। मैंने कहा उस वक्त से रिबेलियस मोड में थे आप? हाँ हाँ जी, बट मेरी मदर हमेशा एक पॉजिटिव उनको दे रही होती थी कि आप इसको छोड़ दें, हो जाएगा ये। उनके एक वर्ड्स मुझे हमेशा याद रहेंगे कि उन्होंने अब्बा से कहा था कि ये जो है ये मेरा खोटा सिक्का है, और जब ये सिक्का चलेगा तो फिर दूसरा सिक्का नहीं चलेगा। तो वो अल्फाज मैं याद रखता हूँ कि माँ से बेहतर कोई नहीं जानता ना औलाद को। अल्लाह की जो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलमाइटी अल्लाह सब कर रहे हैं, बेशक बेशक, और वो उसका प्यार भी माँ से ही मुशाबहत दी गई। आप ये देखिए बिल्कुल कि अल्लाह के प्यार को भी ना माँ के प्यार से मुशाबहत दी गई। अल्लाह भी 70 माँ जैसा प्यार करता है, क्योंकि माँ की मोहब्बत, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को जो मापने का जो पैमाना ना, वो माँ की मोहब्बत रखी है कि लोगों को समझ आ सके कि जितनी तुमसे माँ मोहब्बत करती है ना, उसको into 70 कर लो। तो ये बस वो लाइफ का वो हिस्सा गुजरा कुछ। फिर वालिद साहब भी थोड़े से ट्रांसफॉर्म हुए, नर्म होना शुरू हुए, उन्होंने भी दुआ शुरू की। तो बस अल्लाह की मेहरबानी हुई कि सिलसिला चलता गया। हम प्लानिंग कोई नहीं थी, बस पढ़ते चले गए आगे, जैसे जैसे रास्ता बन गया और अल्लाह का शुक्र हो गया उनकी दुआओं से। मुझे एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पे लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मचाइएगा। माँ की दुआ तो ऐसे में कहाँ कहाँ बजाते हैं, हमें खुद भी आइडिया नहीं होता। बहुत सारी ज़िंदगी में हमारी मुश्किलात आती हैं और कैसे गायब भी हो जाती हैं, समझ ही नहीं आती। फिर पता होता है कि अच्छा जी अम्मी अबू के साथ ना मदिया एक अलग ताल्लुक होता है। हाँ। क्योंकि उन्होंने सुबह ऑफिस जाना है, उन्होंने शाम को आना है, फेंटियाँ पढ़नी, डांटें खानी, खाने के पीछे पड़ना, बाहर निकलो अंदर घर आओ, वो सारा ताल्लुक ना माँ के साथ रहता है। क्योंकि आई बिलीव
आई एम स्टिल अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि माँ आपकी एक तरह की बेस्ट फ्रेंड होती है. लोग कहते हैं ना फलाना बेस्ट फ्रेंड, फलाना बेस्ट फ्रेंड. मैं कहता हूँ बेटों की तो स्पेशली ठीक है ना, वो क्योंकि ये तो है हमेशा से, बाप को बेटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं. रिश्ता ही मैं समझता हूँ माँ और बेटे का ही है. बिल्कुल सेल वाला हाल है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव वो दोनों जो हैं, जब तक दोनों आप दोनों तरफ पॉजिटिव कर देंगे सेल के तो वो कुछ नहीं चल सकता. वन हैज टू बी नेगेटिव, वन हैज टू बी पॉजिटिव. तो माँ के साथ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे यार आप जैसे अबू डाइड इन 94, आई वाज व्हाट 21 22, तो मुझे तो लगता है कि यार अबू कभी थे ही नहीं. उसके बाद अम्मी अबू भी थे, माँ भी थी. तो वो ऐसी कोई एक सिचुएशन है कि यार एक एक कंस्ट्रक्शन भी करनी है तो वो अम्मी के साथ ही बात करनी है, अम्मी ने भी साथ खड़े होना है. कोई काम करना है चाहे वो उसका ताल्लुक किसी खातून से हो, किसी मर्द से हो, वो डिस्कस किससे करना है, अम्मी से ही करना है. मुझे याद है आज भी मैंने वो, मैं सिगरेट उस वक्त पीता था, तो जब अबू की डेथ हुई तो हम लोग कहीं जा रहे थे लॉन्ग डिस्टेंस पे, को 3-4 घंटे की ट्रेन में, तो मुझे रास्ते में कहती हैं पी ले तू सिगरेट. तो मैंने उनकी तरफ ऐसे करके देखा तो मैं ना चुप हो गया. तो मैंने कहा कौन सा सिगरेट? कहती हैं देख अब मैं तू ही है तो तूने पीना हुआ करे ना, पी लिया कर, कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे अच्छे लगते हैं वो आदमी जो सिगरेट पीते हैं. तो दैट वॉज द कॉन्फिडेंस फर्स्ट टाइम. फिर मुझे याद है मैंने गाड़ी की सीट के नीचे से डब्बी निकाल, मैंने जब वो पहला सिगरेट पीना मेरे लिए शामिल ने ट्रैप तो नहीं किया था कि जैसे सिगरेट निकाली तो वो शामिल ने लगाई है. एक और भी चीज है, जब हर तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसके साथ, लड़ाई भी लड़ लेते हैं, अब बेटा मेरा गया हुआ बाहर तो मैं देख रहा होता हूँ वो माँ के साथ जो उनकी चल रही होती है, मुझसे कहते हैं हाँ और बाबा सुनाए क्या हाल है. मैंने कहा ठीक है आप बताएं बेटा कैसा, सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और बस ठीक है और बस बेटा अम्मा के साथ पता नहीं कौन कौन सी कहानी हो रही है बेटों की, मैं वो बता नहीं, वार्डिन नहीं है. मैंने कहा मुझसे तो कोई बात नहीं की, कैसे भाई वो मुझे ही बताया उसने सारा कुछ. तो वो जो ये करना है वो करना है, आप अपना ख्याल नहीं रखती, आपको ये है अपनी सेहत का ख्याल रखें. दुनिया जमाने की बात है, अम्मा सुबह 5 बजे बैठी हुई बात कर रही हूँ टाइम डिफरेंस की वजह से. बिल्कुल मुझसे वो सब और बाबा ठीक है सही है. मैंने कहा हाँ ठीक हूँ आप बताओ. वाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक. अम्मा कहाँ है? मैंने कहा ये लो. वो अम्मा बस घूम फिर के अम्मा पे आ जाते हैं. उनके साथ वो सब कुछ हो रहा होता है. वो वहाँ से चीख रहा होता मेरी जान छोड़े, मैं इतने साल से मेरे पीछे पड़ी नहीं आप, अब तो मुझे छोड़ दें. और फिर उसके बाद अम्मा लव यू. जैसे मुझे लगता है अब्बू को रिप्लेस करना ना एक बेटे के लिए एक आसान है. वो भाई आराम से यार ठीक है अब्बू रिप्लेस. ठीक नहीं नहीं आप प्लीज अब्बू को रिप्लेस नहीं कर सकते. मुझे एक एक्सप्लेन करें. अब्बू को आप रख सकते हैं साइड. आई नो रिप्लेस नहीं कर रहे यार प्लीज. मतलब ऐसे लगता है कि जैसे वही जो जिम्मेदारियां होती है ना बाप की वो बेटा ले लेता है. चाहे वो जैसे मैं 21-22 साल का जाता जब अब्बू के, मुझे चेक लिखना नहीं आता था, मुझे कई चीज़ें नहीं आती थी कि यार जो अब्बू सारे किया करते थे कि मैं ये करवा दूंगा ये कर दूंगा फलाना. वो जो 6 महीने में लगे ना मुझे बड़ा होने में एकदम, वो जो एक खलंडरेपन से और अब वो जो दोस्तियां और वो उससे विद इन 6 मंथ्स मुझे ऐसे लगा कि मैं अब जो भी काम कर रहा हूँ ना वो मैं अबू वाला करने लग गया हूँ. आपका फिर आपका आपकी अम्मी के साथ कैसा ताल्लुक है? सिर्फ बताते ना कि यूजुअली होता हम यही देखते हैं कि जो बेटियाँ हैं वो बाप से ज़्यादा करीब होती हैं और बेटे माँ से ज़्यादा करीब होते हैं. नहीं, मेरी माँ जो थी वो माँ नहीं मेरी दोस्त थी, क्योंकि मेरी बहनों की शादी बहुत यंग एज में हो गई थी और मैं बहुत छोटी हूँ, एज डिफरेंस बहुत है. तो उनकी शादियाँ हो गई थी तो मेरी माँ और मैं हम दोनों साथ होते थे. आप यकीन करें मैं अपनी शादी तक अपनी माँ के साथ सोती थी, वो मेरे साथ सोती थी. और उनको पता था कि मैं खाने में बहुत चोर हूँ, मैं चीज़ें कम खाती हूँ, तो वो मेरे लिए बना बना के और छुपा के भाइयों से, क्योंकि भाई हमला करते थे चीज़ों पे, तो वो बाज़ार से ख़ास चीज़ें लाती. उनको पता था कि इसको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, तो वो बना के छुपा के रखती. मुझे बेबी कहते हैं, बेबी मैंने तुम्हारे लिए बना के रखी और तुम्हें खानी है. अच्छा अम्मी बाद में खा लूँगी, अच्छा खा लूँगी. खाली हो गया, बेबी तुमने खाया? वो भाई खा के चले जाते थे. फिर वो मुझ पर नाराज़ होती थी, कहती थी कि मैंने तुम्हारे लिए ख़ास चीज़ बनाई, मैं तुमसे नाराज़ होंगी. तो ये बातें भूली नहीं जाती. मैं उनके इस गोद में सोती थी, उनसे बातें करती थी और उनको पता था कि मैं किसी चीज़ में कंप्लेन नहीं करती, किसी चीज़ की डिमांड नहीं करती.
तो वो मेरे कहने से पहले वो चीज़ें वहाँ पहुँच जाती थी। उनको पता था कि मुझे आम अच्छे लगते हैं, तो आम के सीज़न में मेरे लिए ख़ास आम की पूरी ट्रे बना के, टोकरे बना के रखती कि ये तुम्हारे लिए ख़ास आम आएगा, उनसे तो इसको तुम्हें ही खाना है। तो मैं फिर भाइयों में बांट देती कि क्या मैं तक खाती नहीं हूँ अम्मी, मैं नहीं खाती। लेकिन तो अब उनके जाने वाले से आप आम भी देखती होंगी। नहीं, ये चीज़ें भूलने की नहीं होती, ये चीज़ें ज़िंदगी भर याद रहती हैं।